हेलो फ्रेंड, टॉयमाल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लेटेस्ट चीपेस्ट पिगी बैंक का कलेक्शन। दोस्तों देख सकते हैं काफी कमाल कमाल के पिगी बैंक से आज हमारे पास में, जिनके साथ आज हम आपका प्लेइंग करके बताने वाले हैं, जिसके लिए आप हमारी इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकॉन के बटन पर भी क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे कलेक्शन है, कलेक्शन में सबसे पहले आ जाता है यहाँ पे डोरेमोन वाला पिगी बैंक, दूसरा वाला है हमारे पास में पेपा पिग वाला पिगी बैंक, तीसरा वाला आ जाता है यहाँ पर हमारे पास में मनी सेफ का पिगी बैंक, चौथा वाला आ जाता है हमारे पास में यहाँ पर मिनियंस का पिगी बैंक, और पांचवा वाला आ जाता है यहाँ पे हमारे पास में हेलो किटी का पिगी बैंक, और छठा वाला आ जाता है यहाँ पे एटीएम मशीन वाला पिगी बैंक। तो दोस्तों आज का हमारा कलेक्शन आपको कैसा लगा है, जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा। और बिना देरी के हम स्टार्ट कर देते हैं हमारे एटीएम मशीन वाले पिगी बैंक से। तो गाइज, जो एटीएम मशीन वाला पिगी बैंक है आज हमारे पास में, यहाँ पे ये एटीएम के साथ में वर्क करता है और इसके साथ में एक एटीएम कार्ड आता है, जैसा कि देख सकते हैं कि इस तरह का इसके साथ में एक कार्ड आया हुआ है जिसपे लिखा हुआ है सिक्योरिटी कार्ड, एटीएम, माय पर्सनल, सुपर, इस तरीके से इसका कार्ड आया हुआ है। और गाइज इस कार्ड को यूज़ करेंगे तो ही एटीएम वर्क करेगा, अगर ये कार्ड नहीं है तो ये एटीएम वर्क नहीं करता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके पासवर्ड कीवर्ड्स दिए गए हैं, और इसके अलावा यहाँ पर समरी का ऑप्शन दिया गया है, सेट का ऑप्शन दिया गया है, पासवर्ड ऑप्शन दिया गया है, डे मनी अमाउंट निकालने के लिए और अमाउंट डालने का जो ऑप्शन है वो यहां पर दिया गया है। और इसके अलावा देख सकते हैं गाइस कि यहां से हमें इसमें अमाउंट डालना होगा और यहां से अमाउंट बाहर की तरफ आएगा, और यहां से देख सकते हैं गाइस कि यहां पे कॉइन्स वगैरह डालने का ऑप्शन दिया गया है। और इसके पीछे यहां पे इसका बैटरी कंपार्टमेंट आ जाता है, तो यहां पे हमें बैटरी को इंसर्ट करना होगा। इसके लिए हम यहां से इसे ओपन कर लेते हैं। तो ये गाइस देख सकते हैं कि यहाँ से मैंने इसे ओपन कर दिया, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें टोटल 3 बैटरीज लगानी होगी, तो वो हम यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं, 1, 2 एंड लास्ट 3। तो देख सकते हैं किस तरीके से साउंड निकल कर आया है इसमें से ऑन होने पर। और अभी यहाँ से हम इसको स्क्रू लगा कर टाइट कर देते हैं ताकि इसकी बैटरी बाहर ना निकले। तो गाइस यहाँ से तो ये फिक्स हो चुका है, और अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 12 बज रहा है, यानी कि इसमें 12 बजे का टाइम दिया गया है, और यहाँ से हम इसका टाइम भी सेट कर सकते हैं। तो टाइम सेट करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे सिस्टम दिए गए हैं। सेट में आप जाएंगे तो यहाँ से सेट वाले ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि क्या हमें सेट करना है। सबसे पहला ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर डेट वगैरह का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेट किस तरीके से शो कर रही है, और इसे चेंज करने के लिए हमें इसे कंटिन्यूसली प्रेस करना होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 12 बज रहा है, अगर हमें टाइम चेंज करना है तो जो भी टाइम हो रहा है वो हम यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यहाँ मॉर्निंग का 8 हो रहा है तो वो मैं 8 कर देता हूँ। उसके अलावा एम पीएम का, यानी कि एम ऑलरेडी है तो वो ठीक है। इसके अलावा आज की जो डेट है वो हम यहाँ पर डाल सकते हैं, तो जो भी डेट रहेगी वो हम यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये तो था दोस्तों इसका डेट वाला फंक्शन। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इसकी डेट वगैरह और टाइम वगैरह हम सेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पासवर्ड का ऑप्शन आ जाता है, तो पासवर्ड जो भी होता है वो हम डाल सकते हैं, यानी कि अभी फ़िलहाल में मैंने 1234 डाला जो कि एरर बता रहा है, यानी कि 1234 इसका पासवर्ड नहीं है। तो पासवर्ड मैं आपको डाल के बताऊंगा जो कि 4 बार 0 होता है। अभी यहाँ पे मैं आपको कॉइन डाल के बताता हूँ दोस्तों। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें कॉइन को डालना होता है, तो आप देख सकते हैं कॉइन डालते ही उसने 0.5 का सिग्नल दिया, यानी कि यहाँ पर 5 रुपीज़ दिया है। अब यहाँ पर गाइज हम एक काम करते हैं, यहाँ पर नोट डाल कर देखते हैं। तो यहाँ पे 100 रुपीज़ का हम नोट इसके अंदर डालेंगे, लिखने के बाद में 100, और ये अमाउंट इसके अंदर जाएगा। इस तरीके से हमें इसमें डालना होगा, ये ऑटोमेटिक मशीन से नहीं जाता है दोस्तों, हमें इसे मैन्युअली ही डालना होगा। और मैं इस पर प्रेस करूँगा तो यहाँ समरी में हम चेक कर लेते हैं, तो 105 रुपीज़ यहाँ पर बता रहा है दोस्तों। तो इस तरीके से यहाँ पर हम अमाउंट डाल सकते हैं, 100 रुपीज़ का एक अमाउंट और यहाँ पर हम डालेंगे, और ये अमाउंट डालने के बाद में हम यहाँ पे नोट को इस तरीके से डालना होगा। तो ये नोट इसमें जा चुका है, यानी 200 रुपीज़ के ऊपर इसमें हो चुका है, और इसको यहाँ से चेक करेंगे हम समरी में। तो समरी में देख सकते हैं गाइज़ के 205 रुपीज़ यहाँ पे बता रहा है। अब गाइज़ यहाँ पे आ जाता है मनी को निकालने का ऑप्शन, तो मनी निकालने के लिए हमें यहाँ से इसे दबाना होगा, है ना। तो यहाँ से हम इसे दबाते हैं, और अमाउंट अगर हमें 100 निकालना है तो हम यहाँ पे अमाउंट डालेंगे सबसे पहले,
और फिर इसे प्रेस करेंगे। इसे प्रेस करने के बाद गाइस देख सकते हैं कि यहाँ पे एक चाबी बनी हुई आ रही है, यानी कि एटीएम पिन डालने का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे मैं एटीएम पिन डालूंगा, यानी 4 times 0 1 2 3 4। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे एक साउंड निकल कर आया, और यहाँ पे देख सकते हैं ब्लू कलर से लाइट ब्लिंक कर रही है, यानी कि ये ओपन हो चुका है। तो गाइज इसे हमें यहाँ से खींचना होगा, तो ये इस तरीके से इसका ब्लॉक ओपन हो जाता है और यहाँ से हम हमारा अमाउंट निकाल सकते हैं गाइज। तो ये 200 रुपीज़ इसमें थे, इसके अलावा 5 रुपीज़ 5 रुपीज़, यानी टोटल 10 रुपीज़ और हम यहाँ से निकाल लेते हैं और यहाँ से कर देते हैं इसको लॉक। इसके अलावा गाइज यहाँ पे इसका एटीएम लगा हुआ है, इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये निकलने के बाद गाइज ये वर्क नहीं करेगा, जैसा कि देख सकते हैं कि मैं इसे फिर से चेक करूंगा। तो देख सकते हैं कोई भी बटन इसका वर्क नहीं कर रहा है, और एटीएम लगाऊंगा तो ही ये वर्क करता है दोस्तों। तो ये मैंने एटीएम इसमें लगाया, इसने इसे एक्सेप्ट किया, और यहाँ से मैं इसमें अमाउंट डालूंगा अगेन 100 रुपीज़ का, और इसे दबाऊंगा, यानी कि इस तरीके से ये एक्सेप्ट कर लेता है और अमाउंट इसमें मैं डाल सकता हूँ। तो गाइज ये वाला एटीएम मशीन आपको कैसा लगा है? मुझे तो काफ़ी कमाल का लगा है, क्योंकि ये एटीएम के बिना वर्क नहीं करता है, एटीएम जैसा ही ओरिजिनल है। बट इसमें एक चीज़ ये भी ख़राब है कि बिना एटीएम के वर्क भी नहीं करेगा, अगर जब कार्ड इसमें आप लगाएंगे तो ही ये वर्क करेगा। तो ये एटीएम मशीन आपको कैसी लगी है, जल्दी से इसके बारे में आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। होप सो ये पसंद आया हो आपको, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और गाइज अब मैं आपको इसका प्राइस बता देता हूँ, अगर आप इस एटीएम मशीन को ऑनलाइन या ऑफलाइन मार्केट से परचेस करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको 1400 रुपीज़ में ही मिल जाएगा। तो है ना काफ़ी कमाल का। तो दोस्तों इस एटीएम मशीन के बाद अब हम आ जाते हैं हेलो किटी वाली मशीन पर, यानी हेलो किटी वाले पिगी बैंक की। और तो गाइस देख सकते हैं कि हेलो किटी वाला पिगी बैंक लुकिंग वाइज तो काफी कमाल का है। कलर में देखा जाए तो पिंक कलर का ही दिया गया है किटी के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे इसकी पासकोड की दी गई है, और इस तरीके से यहाँ से हमें इसे ओपन करना होगा इसका पासवर्ड डालकर। और इसके अलावा यहाँ पे इसका बैटरी कंपार्टमेंट जो दिया गया है वो यहाँ पर आ जाता है, तो यहाँ से हमें इसे ओपन करना होगा। तो गाइस देख सकते हैं कि ओपन होने के बाद यहाँ पे भी हमें टोटल 3 बैटरीज को लगाना होगा, तो वो हम यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं, 1 2 और लास्ट 3rd यहाँ पे हम लगा चुके हैं, और यहाँ से कर देते हैं हम वापस इसे लॉक। और गाइस देख सकते हैं कि इसमें एक चीज़ और अच्छी है कि इस तरीके से कुछ हैंडल आया हुआ है कि हम इसे इजीली कैरी भी कर सकते हैं, और कॉइन डालने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, नोट डालने के लिए यहाँ से इसके अंदर नोट जाएंगे। तो गाइस यहाँ बैटरी तो लग चुकी है, अब ऑन हम इसका चेक कर लेते हैं, तो इस तरीके से कुछ साउंड दे रहा है, और यहाँ पे रॉन्ग पासवर्ड डालने पे इसने कुछ इस तरीके से साउंड दिया है। तो गाइस कॉइन हम यहाँ पर डाल के देख लेते हैं, तो कॉइन के लिए तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है और कॉइन यहाँ पे डल चुका है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे हम इसमें नोट डालकर भी देख लेते हैं, तो नोट डालने के लिए हमें यहाँ पे नोट को रखना होगा। तो गाइस देख सकते हैं किस तरीके से इसके अंदर नोट गया, हम फिर से डाल के देखेंगे। तो देखा आपने किस तरीके से इसने नोट को एक्सेप्ट कर लिया, यानी इजीली नोट इसके अंदर चले जाते हैं, हमें इसमें सिर्फ रखना होता है इसके यहाँ पर, और नोट ये एक्सेप्ट कर लेता है। तो गाइज देख सकते हैं कि हमने टोटल इसमें 500 रुपीज़ को डाला है, और अब देखना चाहेंगे कि हम इसे ओपन कैसे करते हैं। तो ओपन करने के लिए यहाँ पे हमें पहले रॉन्ग पासवर्ड डाल के देखना होगा, तो मैंने 4 times 1 डाला, तो यहाँ पे इसने औ करके साउंड दिया, यानी कि रॉन्ग पासवर्ड डाला है। अब यहाँ पे हम सही पासवर्ड डालने के लिए 4 times 0 को डालेंगे, तो वो हम यहाँ पे डाल के देख लेते हैं। तो गाइस देख सकते हैं किस तरीके से इसने साउंड दिया है, और अब यहाँ से हम इसे ओपन करेंगे। तो देखा दोस्तों आपने कि इस तरीके से ये ओपन हो चुका है, और इस तरीके से इसने साउंड दिया है, यानी इस तरीके से ये ओपन हो जाता है इजीली, काफ़ी कमाल का लगा दोस्तों। यहाँ से हम हमारा अमाउंट बाहर की तरफ निकाल लेते हैं, और ये 5 रुपीज़ का अमाउंट भी इसमें से बाहर आ जाएगा। तो गाइस काफ़ी कमाल का एटीएम मशीन लगा है मुझे ये, आपको कैसा लगा है इसके बारे में भी आप मुझे जल्दी से कमेंट्स करके बताइएगा। होप सो ये हेलो किटी वाला एटीएम आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अब मैं आपको इसका प्राइस बता देता हूं दोस्तों, अगर आप इस तरह के एटीएम को ऑनलाइन या ऑफलाइन मार्केट से परचेस करते हैं तो ये हेलो किटी वाला एटीएम आपको ओनली 1000 रुपीज़ में ही मिल जाएगा। तो है ना काफ़ी कमाल का। तो दोस्तों बिना देरी किए अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पिगी बैंक, यानी मिनियंस वाले पिगी बैंक की ओर।
तो गाइस जैसा कि देख सकते हैं कि मिनियंस वाला पिगी बैंक हमारा कुछ इस तरीके से दिखता है, और यहाँ पे इसके जो बटन्स दिए गए हैं पासवर्ड के लिए वो इस तरीके से दिए गए येलो कलर के, और ये यहाँ पे अमाउंट डालने के लिए ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ से हमें इसमें नोट डालना होगा, और कॉइन्स डालने के लिए यहाँ पे ऊपर ब्लॉक दिया गया है। और इसके अलावा गाइस जैसा कि देख पा रहे हैं हम कि इसका जो बैटरी कंपार्टमेंट है आई थिंक नीचे की तरफ दिया गया है, तो यहाँ से हमें इसे ओपन करना होगा। ओपन करके हमें इसमें भी बैटरी को इंसर्ट करना होगा, तो जल्दी से हम यहाँ से इसे ओपन कर लेते हैं। तो गाइस देख सकते हैं कि ओपन होने के बाद में इसके अंदर भी हमें टोटल 3 बैटरीज ही लगानी होगी, तो वो यहाँ पर हम इंसर्ट कर देते हैं। तो पहली वाली तो हम यहाँ लगा लेते हैं इस तरीके से, इसके अलावा दूसरी बैटरी आ जाएगी यहाँ पे, और तीसरी बैटरी को हम यहाँ लगा देंगे। इसके बाद वापस इसको कर देंगे हम यहाँ से लॉक। तो यहाँ से तो ये लॉक हो चुका है गाइस। अब हम इसे चलाकर भी देख लेते हैं कि किस तरीके से वर्क करता है। और जैसा कि देख सकते हैं गाइस कि यहाँ पे कुछ ब्लू कलर्स की लाइट्स निकल कर आ रही है, देख पा रहे हैं आप, तो इस तरीके से ये शो कर रहा है कि ये ऑन हो चुका है, और यहाँ पे इसका ऑन और ऑफ का बटन दिया गया है, तो यहाँ से इसे ऑफ भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है दोस्तों इसमें कि इसे ऑफ भी किया जा सकता है, यानी हमें इसे ऑफ करने के लिए बैटरी को निकालने की नीड नहीं होगी। तो यहाँ से ये हो गया ऑफ। अब दोबारा से हम यहाँ से ऑन करेंगे इसे। अब इसके अलावा यहाँ पे ऊपर की ओर इसमें भी कॉइन डालने का ऑप्शन दिया गया है, तो इस तरीके से हम इसमें कॉइन को डाल सकते हैं। तो देख सकते हैं कि कॉइन इसमें डायरेक्टली जा चुका है, कॉइन हमें यहाँ पे किसी मशीन के ज़रिए नहीं जाता है। मशीन के ज़रिए इसमें भी नोट ही जाएंगे, जैसा कि देख पाएंगे आपके यहाँ पर हमें नोट को रखना होगा। तो देख सकते हैं गाइस के काफी कमाल का साउंड दिया इसने। हम दोबारा से नोट डालेंगे इसमें। तो गाइस जैसा कि सुन पा रहे हैं आप कि यहाँ पे दूसरी तरह से साउंड निकल कर आया है, हम फिर से नोट डालेंगे। तो यहाँ पे आप चेक कर पा रहे हैं गाइस के हर बार साउंड कुछ अलग तरह से आ रहा है, हर बार नोट डालने पर दूसरा साउंड हो जाता है, और यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइट्स ब्लिंक होती है। हम फिर से नोट डालेंगे इसमें। तो देख सकते हैं गाइस कि इस तरीके से इसमें नोट जा चुके हैं। अब यहाँ पे हम पहले रॉन्ग पासवर्ड को डाल के देखेंगे क्या बोलता है ये। तो इसने भी गाइस जैसा कि सुन पा रहे हैं आप कि इसने ट्राई अगेन और सॉरी दोनों कहा है। अब यहाँ पे हमें सही पासवर्ड डालना होगा जो कि 4x0 है। तो सुन पा रहे हैं गाइस कि किस तरीके से साउंड आया है, और यहाँ से हमें इसे ओपन करना होगा। तो ओपन करने के लिए हम इसे घुमाएंगे, तो देख सकते हैं गाइस कि किस तरीके से इसका डोर ओपन हो चुका है, और यहाँ से अब हम इसमें से अमाउंट को वापस बाहर निकाल सकते हैं। तो काफ़ी कमाल का साउंड दिया दोस्तों ये। आपको कैसा लगा मिनियंस वाला पिगी बैंक, जल्दी से आप मुझे इसके बारे में कमेंट्स करके बताइएगा। होप सो ये पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब गाइस मैं आपको इसका भी प्राइस बता देता हूँ, अगर इस मिनियंस पिगी बैंक को आप ऑनलाइन या ऑफलाइन मार्केट से परचेस करेंगे तो ये वाला पिगी बैंक भी आपको 1000 रुपीज़ में ही मिल जाएगा। तो है ना काफ़ी कमाल का। अब बिना देरी किए आ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट पिगी बैंक की ओर। तो गाइस जैसे कि देख पा रहे हैं आप कि हमारा जो चौथा वाला एटीएम है वो मनी सेफ का है, और यहाँ पे लुकिंग वाइज तो काफ़ी कलरफुल लग रहा है ये। यहाँ पे लिखा हुआ है 0900 डॉलर का सिंबल है, और ये दोस्तों थंब प्रिंट के थ्रू ही चल पाएगा, यानी कि ये थंब लगाने पर वर्क करेगा। तो काफ़ी कमाल का एटीएम है दोस्तों। लुकिंग वाइज आप देख ही पा रहे हैं कि कलरफुल है ये, और यहाँ पे हमें कॉइन डालने के लिए यहाँ से इसमें डालना होगा। इसके अलावा नोट अगर हमें डालना है तो यहाँ पर इसका ऑप्शन दिया गया है, तो काफ़ी कमाल का है। और डोर ओपन करने के लिए यहाँ से इसका ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ से हमें इसका डोर ओपन करना होगा। तो इसे चलाने के लिए सबसे पहले हमें इसमें बैटरी को इंसर्ट करना होगा, तो सेम बैटरी इसकी भी यहाँ पर ही लगेगी। तो इस कंपार्टमेंट को ओपन करके हम इसकी बैटरी यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं। तो यहाँ से ये ओपन हो चुका है, और इसमें भी टोटल 3 ही बैटरी लगेगी गाइस, तो वो हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे, 1, 2 एंड लास्ट 3। ये थर्ड बैटरी इसमें लग चुकी है। फिर से कर देते हैं हम यहाँ से इसे लॉक, ताकि इसकी बैटरी बाहर ना निकले, और यहाँ से स्क्रू टाइट हो चुका है। अब यहाँ से हम इसे चला कर देखेंगे। तो
इसको चलाने के लिए दोस्तों, इसे चेक करने के लिए हम बटन प्रेस करके देखते हैं। तो देख सकते हैं किस तरीके से इसने साउंड दिया है, और यहाँ पे कुछ रेड कलर्स की लाइट ब्लिंक कर रही है। और हम इसमें रॉन्ग पासवर्ड डाल के देखते हैं, तो 3 बार पासवर्ड डलेगा और इसके बाद थंब डाल के देखते हैं, तो इसने कुछ इस तरीके से साउंड दिया है। इसके बाद गाइज हम इसमें सबसे पहले कॉइन डालकर देखेंगे, तो कॉइन डालने का ऑप्शन हमें यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ से हम इसमें कॉइन इंसर्ट कर देते हैं। यानी 5 रुपीज़ का अमाउंट मैंने यहाँ से डाला है, 5 रुपीज़ और डाल के मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके से इसमें कॉइन डाल सकते हैं। अब नोट डालने के लिए सेम वही प्रोसीजर हमें इसके साथ भी करना होगा। ये नोट डालने के लिए हमें यहाँ पे इसमें नोट रखना होगा, और ये नोट भी ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर लेगा। तो सुना आपने किस तरीके से साउंड दिया, हम दूसरा नोट डाल के देखेंगे। तीसरा नोट डाल के देखेंगे। तो गाइज जैसे कि आप सुन पा रहे हैं कि सेम इसमें भी वही चीज आ रही है कि हर बार नोट डालने पर आपको अलग तरह का साउंड सुनाई देता है। तो यह तो जैसा कि सुना आपने, काफ़ी कमाल का साउंड निकल कर आया है, काफ़ी धीमा है और काफ़ी अच्छा साउंड है दोस्तों। अब यहाँ से नोट बाहर निकालने के लिए हमें सेम प्रोसीजर यहाँ पे अपनाना होगा। अब यहाँ पे जो इसका पासवर्ड आ जाता है दोस्तों, वो 3 वर्ड्स में ही आता है, यानी कि 3 बार ही हमें यहाँ पर इंटर करना होगा, यानी कि 4 बार का ऑप्शन इसमें नहीं है। तो 3 बार हम यहाँ पर 0 प्रेस करेंगे, और उसके बाद में हमें यहाँ पर थंब भी लगाना होता है। तो सुन पा रहे हैं आप किस तरीके से इसका साउंड निकल कर आया है। अब यहां से हमें इसे ओपन करना होगा। तो देखा गाइस किस तरीके से साउंड आया है, और ये इसका डोर ओपन हो चुका है, और यहां से हम हमारा अमाउंट वापस बाहर की तरफ निकाल सकते हैं। तो हमने हमारे 500 रुपीज यहां से वापस बाहर निकाल लिए हैं, और यहां पे 10 रुपीज के जो 5 5 रुपीज वाले सिक्के थे वो भी हमने बाहर निकाल लिए। तो ये मनी सेफ का ATM भी काफ़ी कमाल का है दोस्तों। आपको कैसा लगा है जल्दी से इसके बारे में आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। होप सो ये ATM आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अब मैं आपको इसका प्राइस बता देता हूं दोस्तों। अगर आप इस ATM मशीन को ऑनलाइन या ऑफलाइन मार्केट से परचेस करते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको 1200 रुपीज़ में ही मिल जाएगी। तो है ना काफ़ी कमाल की। तो दोस्तों बिना देरी के अब हम आ जाते हैं हमारी पेपा पिग वाली पिगी मशीन की ओर। अब हम आ चुके हैं हमारे पेपा पिग वाले पिगी बैंक की ओर। तो दोस्तों देख सकते हैं कि लुकिंग वाइज काफी ज्यादा कमाल का लग रहा है ये पिंक और वाइट कलर में। और जैसा कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भी इसके पासवर्ड की दी गई है, और यहाँ से हमें इसे घुमाकर इसे ओपन करना होता है। अमाउंट डालने के लिए दोस्तों यहाँ पे सेम तरह का ऑप्शन दिया गया है कि यहाँ पे हमें नोट डालना होगा, और यहाँ से इसके अंदर कॉइन इंसर्ट हो गए। और दोस्तों इसके अंदर भी ये फैसिलिटी आई हुई है कि यहाँ से हमें इसे ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, यानी कि ऑन ऑफ का बटन यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे इसकी लाइट्स लगी हुई है। तो पीछे की तरफ देख लेते हैं, तो जैसा कि देख पा रहे हैं कि नीचे की ओर इसमें भी बैटरी का ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पे हमें बैटरी को इंसर्ट करना होगा। तो जल्दी से हम इसे भी यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो ये यहाँ से ओपन हो चुका है। सेम बैटरी इसके अंदर भी लगानी होगी, यानी टोटल 3 बैटरीज इसके अंदर भी आ जाएंगी, तो वो हम यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं। तीनों बैटरी इसमें लग चुकी है, और यहाँ से करना होगा हमें इसे लॉक, ताकि इसकी बैटरी बाहर ना निकले, और यहाँ से कर देते हैं हम इसको टाइट। तो ये हो चुका है यहाँ से टाइट। अब हम इसे चला कर देख लेते हैं दोस्तों बिना देरी किए। तो देख पा रहे हैं आप कि यहाँ पे जो बटन है हम उसे दबाना होगा, तो बटन दबाने पर भी सेम लाइट यहाँ पे, यानी कि ब्लू कलर की लाइट इस तरीके से ब्लिंक कर रही है। तो काफ़ी कमाल का फंक्शन है दोस्तों ये वाला। और अब यहाँ पे हमें कॉइन डालने के लिए ऊपर से कॉइन डालना होगा सेम इसी तरीके से। तो ये 5 रुपीज़ का कॉइन इसके अंदर जा चुका है, और नोट डालने के लिए हमें यहाँ पे नोट रखना होगा जहाँ से नोट अंदर की तरफ जाएंगे। तो हम यहाँ पे नोट को डालकर देख लेते हैं। तो नोट यहाँ पर, तो राउंड एंड राउंड वाला साउंड इसने प्ले किया। अब हम दोबारा से दूसरा नोट डालेंगे, तो यहाँ पे साउंड चेंज हो चुका है दोस्तों। फिर तीसरा यहाँ पे म्यूजिक आ चुका है,
तो गाइस सुन पा रहे हैं आप कि इस तरीके से इसमें से साउंड निकल कर आ रहा है, और यहाँ हर बार वही चीज़ आ जाती है कि इसके अंदर भी वही फैसिलिटी दी गई है कि यहाँ पे हर बार नोट डालने पर आपको दूसरी तरह का साउंड सुनाई देगा। अब दोस्तों इसका जो पासवर्ड है वही सेम 4x0 आ जाता है, तो वो हम इसमें डालकर देखेंगे। और इसके पहले हम इसमें रॉन्ग पासवर्ड डाल के देखते हैं कि किस तरीके से ये साउंड करता है। तो वही इसने ट्राई अगेन कहा, अब हम यहाँ पे सही पासवर्ड डालेंगे। तो सुना आपने किस तरीके से इसने साउंड दिया दोस्तों। अब यहाँ से हम इसे ओपन कर लेते हैं घुमाकर। तो गाइस इसका दरवाज़ा ओपन हो चुका है, और अमाउंट निकालने के लिए हमने यहाँ से अमाउंट को बाहर भी निकाल लिया है। तो ये पेपा पिग वाला पिगी बैंक भी काफ़ी कमाल का था दोस्तों। आपको कैसा लगा है इसके बारे में भी आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। होप सो ये पिगी बैंक आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब गाइज मैं आपको इसका प्राइस बता देता हूँ। अगर आप इस एटीएम को ऑनलाइन या ऑफलाइन मार्केट से परचेस करेंगे तो ये एटीएम भी आपको 1000 रुपीज़ में ही मिल जाएगा। तो है ना काफ़ी कमाल का। अब दोस्तों बिना देरी किए आ जाते हैं हम हमारे लास्ट पिगी बैंक यानी डोरेमोन वाले पिगी बैंक की ओर। तो गाइस जैसा कि देख पा रहे हैं कि डोरेमोन वाला पिगी बैंक तो लुकिंग वाइज काफ़ी कमाल का लग रहा है। यहाँ पे डोरेमोन का फेस बना हुआ है, और यहाँ पे इसके पासवर्ड की आ जाती है। यहाँ से हमें इसे ओपन करना होता है। सेम यहाँ पे भी लाइट्स दी गई है ऑन, एंड यहाँ से दरवाज़ा ओपन करने वाली और अमाउंट डालने वाली, और यहाँ से ही हमें इसमें अमाउंट डालना होगा। यानी नोट यहाँ से जाएंगे और कॉइन्स वगैरह हम यहाँ से डाल सकते हैं। इसके अंदर भी फैसिलिटी दी गई है ऑन एंड ऑफ़ की, तो यहाँ से हम इसे ऑन एंड ऑफ़ कर सकते हैं। इसके अलावा बैटरी कंपार्टमेंट इसका नीचे की तरफ दिया गया है, तो वो हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें बैटरी इंसर्ट करना होगा, तो बैटरी हम यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं। टोटल 3 बैटरीज ही इसमें भी लगानी होगी हमें, तो तीनों बैटरी हम यहाँ लगा देते हैं, और अगेन इसे कर देते हैं हम यहाँ से लॉक, ताकि इसकी भी बैटरी बाहर ना निकले इस तरीके से। तो ये हो चुका है यहाँ से टाइट। अब इसे चलाकर देखना होगा हमें, तो चलाकर देखने के लिए हम इसमें कोई की दबाकर देखते हैं। तो इस तरीके से ये साउंड दे रहा है, और इसमें कुछ रेड कलर्स की ही लाइट यहाँ पे दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा लाइट है। और रॉन्ग पासवर्ड पे इसने ट्राई अगेन कहा है। और कॉइन डालने के लिए दोस्तों हमें यहाँ से कॉइन डालना होगा। नोट डालने के लिए भी सेम यहाँ से प्रोसीजर करना होगा। तो यहाँ नोट रखते ही यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं 5000, 2000, 1000 एंड 10000, यानी इतना अमाउंट हम डाल सकते हैं। डालने को तो हम कितना भी डाल सकते हैं, बट इसने इसकी तरफ से बता दिया कितना डालना चाहिए। तो हम यहाँ पे कॉइन डाल के देख लेते हैं। तो कॉइन यहाँ से जा चुका है अंदर। इसके बाद आ जाते हैं हम नोट वाले प्रोसीजर की ओर। तो नोट हमें यहीं से डालना होगा। तो गाइज इसमें नोट सारे जा चुके हैं, और इस तरीके से ये हर बार इसमें भी यही फैसिलिटी दी गई कि हर बार इसमें नई तरीके से साउंड आ जाता है। अब यहाँ से हम नोटों को बाहर निकालने के लिए एक पिन डालना होगा, तो पिन इसका भी सेम वही 4x0 होता है। और अगर हमें किसी का पिन चेंज करना हो तो हम इस स्टार की को दबाकर इसका पिन चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसे बाहर निकालेंगे। तो 4x0 दबाने पर इस तरीके से साउंड दिया है, और यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइट्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं ब्लिंक हो रही है। और यहाँ से हमें इसे ओपन करने के लिए ऊपर की ओर घुमाना होगा इस तरीके से। तो ये ओपन हो चुका है, और अमाउंट हम यहाँ से निकाल लेते हैं बाहर। तो गाइज ये डोरेमोन वाला पिगी बैंक भी काफ़ी कमाल का था। आपको कैसा लगा है जल्दी से इसके बारे में आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। होप सो ये पिगी बैंक आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों अब मैं आपको इसका प्राइस बता देता हूँ। अगर आप इस पिगी बैंक को ऑनलाइन या ऑफलाइन मार्केट से परचेस करते हैं तो ये पिगी बैंक आपको 1100 रुपीज़ में ही मिल जाएगा। तो है ना काफ़ी कमाल का। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी, और एटीएम का कलेक्शन यहीं तक था। अब हम आपसे मुलाकात करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉयज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।